आज एक विशेष बात और आप सबसे कहना चाहता हूँ आज मुझे समाचार मिला आचार्य महाराज के श्री चरणों में इंदौर के जिलाधिकारी और वहाँ के सांसद आज दोपहर में विशेष आशीर्वाद लेने पहुंचे उन्होंने गुरुचरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव आप ऐसा आशीर्वाद दें कि इंदौर पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र इस त्रासदी से शीघ्र मुक्त हो उस समय गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साथ साथ ये भी कहा कि जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं पुलिस कर्मी हैं सफाई कर्मी हैं उन सब के लिए भी उनने अपना आशीर्वाद दिया और उनके निवेदन पर एक विशेष बात कही कि इस आपतकालिक स्थिति में सभी को अपना धर्म ध्यान घर में ही करना चाहिए अभी भी कुछ लोग मंदिर बंद होने पर भी खिड़कियों में लाइन लगा रहे हैं उससे संक्रमण फैल रहा है ये उचित नहीं है उन्होंने जब गुरुदेव से अनुरोध किया तो गुरुदेव ने कहा ये तो मैं कई बार बोल रहा हूँ आज भी बोल देता हूं, और भी बुलवा देता हूँ ब्रह्मचारी सुनील के माध्यम से मेरे पास ये संदेश आया कि गुरुदेव ने कहा है कि सभी लोगों को शासन प्रशासन की बातों का अक्षर सा पालन करना चाहिए जो सरकार की गाइडलाइन है उस पर चलना चाहिए ऐसे समय में मंदिर जाने का मोह त्यागना चाहिए घर में बैठ कर के भी धर्म ध्यान हो सकता है बाद में बाकी साफ काम हो जाएगा यदि आपके मंदिर के निमित्त से संक्रमण फैलता है तो महान पाप है आज प्रशासन को बड़ी परेशानी होने लगी है इसलिए आपको सावधान होना चाहिए ये गुरुदेव का संदेश है हो सकता है कल सुबह के अपने आशीर्वाद में उनका संदेश आपको डायरेक्ट उनके मुख से भी मिल जाए लेकिन ये संदेश लोगों को सुनना चाहिए और इस आपतकालिक परिस्थिति में आपत्कालिक धर्म का पालन करना चाहिए यद्यपि संपूर्ण जैन समाज शासन के निर्देशों का अक्षर सा पालन कर रही है फिर भी कतिपय लोग ये सोचकर कि हम तो सुरक्षित हैं हम तो सुरक्षित हैं वो लुका छुपी का खेल खेल करके मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं ये ठीक नहीं मंदिर लुक छिप कर दर्शन करने का जगह स्थल नहीं है मंदिर जाओ तो खुले आंखों हृदय से जाओ जब अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है तो इस समय ऐसे ब्याहों में फंसना नहीं चाहिए एक व्यक्ति के निमित्त से अगर कोई लोग संक्रमित होते हैं तो इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं हमें अभी शासन प्रशासन का साथ देना चाहिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि शासन को हमारे पीछे चिंता में पड़ना पड़े इस जंग को जीतना है सबको मिलकर जीतना है गुरुदेव का आज आशीर्वाद मिला है मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी नियंत्रित होगा ऐसे भी भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत व्यवस्थित है थोड़ा लोग और संयम अपना लें तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है इसलिए संदेश लोगों तक पहुंच जाए कि इस समय लोग जिद ना करें आग्रह ना करें ऐसे आग्रह भाव में अनर्थ भी हो सकता है जहां हॉटस्पॉट बन गए हैं उस तरह की स्थिति है कुछ दिन बाद जब शासन खुद परिस्थितियों को देखते हुए सब कुछ अनुकूल बताएंगे तब आप कीजिएगा जन्म जिंदगी तक धर्म ध्यान है और अभी भी धर्म ध्यान तो आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है आप अपने घर में बैठ के इस तरह का धर्म ध्यान करते रहिए और खूब प्रार्थना कीजिए खूब भावना भाइए कि ये विपदा जल्दी से जल्दी टले बल्कि टल ही रही है, जा, रही है, जा रही है जा रही है ऐसा सोचिए ताकि इससे मुक्ति मिले